أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ शैन कद मोहतरम नाज्रीन अल्लाम आईकुम वरम वज हमारे सबक में मुनाफिकीन का एक और मिसाल बयान हो रहा है करीब है ये बिजली या का को करीब है बिजली यख तो अब स्वा रूम के अचकले इनकी निगाहें कल हमने एक मिसाल पढ़ा था कि मुनाफिकीन बिजली चमकने की वजह से बादल गरजने की वजह से अपनी उंगलियां खानों में डालते हैं आज दूसरी मिसाल अल्लाह इज़्ज़त बयान कर रहे हैं कि ये चमक जब बिजली चमकती हो तो उससे इनकी आंखें जो है उनकी बेनाही जो है वो ख़त्म हो जाती है कमज़ोर हो जाती है यकादुलवर को करीब है बिजली यख तफ़ो अब स्वार हम कि ये अचकले इनकी निगाहें और ये याद रखें कि ये मिसाल दुनिया में भी मुनाफिक की बयान हो रही है और आखरत के लिए भी मुनाफिकी का ये मिसाल है आगे मैं ज़िक्र करूंगा कि आखिरत के लिए कैसे हैं यकाद अलबर को यकाद करीब है अलबर को बिजली यख तो फो के अचकले अब स्वा हम इनकी निगाहें कुल्मा जब भी अदवा चमकी इन पर या रोशन रोशनी कर दे इन पर मशोफ़ी है तो ये चल पड़ते हैं उसमें व एदा अज़लम और जब अंधेरा हो गहम इन पर ख़ामू तो वो कड़े हो जाते हैं यानी आपने देखा होगा अगर रात के वक़्त बारिश हो रही हो तो कख भी नज़र नहीं आता है, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है उसमें जब वो बिजली चमक जाती है तो उसमें बंदे को थोड़ा सा रास्ता नज़र आ जाता है उसमें चल पड़ता है और जब वो रोशनी ख़त्म हो जाती है अंधेरा होता है तो फिर बंदा अंधेरे में नहीं चल सकता है वाला उशा अल्लाह हो और अगर अल्लाह चाहते लजहाबा तो वह छीन लेता बेसम इनकी समात की ताकत को हिम और इनकी देखने की ताकत को इन क़दीर बेशक अल्लाह हर एक चीज़ पर क़ादर है इससे मुराद ये है कि मुनाफिकीन के ऊपर जब इस्लाम हरूज में हो जब इस्लाम को हरूज में देखे तो मुनाफिकीन मुसलमान हो जाते हैं इस्लाम पसंद हो जाते हैं यानी जब इनके ऊपर रोशनी हो मुराद ये है कि जब इनके ऊपर रोशनी हो तो ये चल पड़ते हैं यानी जब इस्लाम को गलबा हासिल हो इस्लाम को हरूज मिल रहा हो तो मुनाफिकीन मुसलमान के साथ चलना शुरू कर देता है वा अज़लम आल्मा और जब अंधेरा चाह जाए इन पर तो वो कड़े हो जाते हैं रुक जाते हैं यानी अगर बिलफर्ज़ महाल कोई थोड़ा बहुत इस्लाम के ऊपर इम्तिहान आ जाए इस्लाम के ऊपर कोई थोड़ी बहुत सख्ती आ जाए मुसलमान के ऊपर तो मुनाफिक उसी वक़्त लौट जाता है और वो कुफर की तरफ़ चला जाता है ग़ैर मुस्लिम के साथ उसकी हमदर्दी शुरू हो जाती है और यही मिसाल मुनाफे की क़ियामत में भी होगी क़्यामत वाले दिन अंधेरा होगा गुफ़ अंधेरा होगा इतना अंधेरा होगा मेरे भाइयों कि हम सोच नहीं सकते रोज़ क्यामत पूरा दिन अंधेरे से भरा होगा इंसान कदम नहीं ले सका ले सकेगा इतना ज़्यादा अंधेरा होगा कि अदीज़ शरीफ में आता है कि इंसान मुकम्मल तौर पे रोशनी का मुख्ताज होगा हर एक इंसान तब चल पड़ेगा जब उसको रोशनी मिलेगी क़यामत के दिन पर और क़यामत के दिन मुनाफिकीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फ़रमा रहे हैं सूरह हदीद आयत नंबर तेरह में वल यकूलनाफिकमुनाफिक يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. منافق مردور منافق اورتيك يا مطوالد المؤمنون سكهينجي انظرونا توڑا انتظار سامرا انتظار كيجي طولا مارليي الروكليجي नख़ तविसमिन नूर कुम ताकि हम भी आपके रोशनी से आपकी नूर से कुछ नूर हासिल कर सकें की लर जिगुआ रल तमिशु नूरा मोमिन इन मुनाफिकी से कहेंगे कि पीछे मुड़ जाओ और नूर को तलाश करो कयामत के दिन नूर के बग़ैर इंसान के लिए चलना महाल होगा तमाम इंसान के ऊपर इतना अंधेरा होगा कि एक कदम नहीं ले सकेगा तो ये मिसाल मुनाफिक के लिए कयामत वाले दिन के लिए बयान हो रहा है कि कयामत वाले दिन मुनाफिक मोमिन को पुकारेगा उन नखिन नूर कुम थोड़ा सा हमें भी साथ में ला लीजिए थोड़ा सा हमारा भी इंतज़ार कीजिए थोड़ा हमारे लिए भी रुक लीजिए ताकि हम आपके नूर से कोई नूर ले सकें लेकिन नहीं होगा ऐसे ऐसे इसलिए नहीं होगा कि ये मुनाफिक दुनिया में मुसलमान के साथ नहीं थे और नबी सलाम फरमाते हैं कि कयामत के दिन नूर जो होगा जो रोशनी होगी वो मोमिनों को उनके आमाल के मुताबिक नूर मिलेगा किसी आदमी को किसी मुसलमान को इतना नूर मिलेगा कि नबी सलाम ने फरमाया कि जितना पूरा मदीना रोशन हो मदीना शहर पूरा रोशन हो जितना मदीना शहर है नबी सलामाम फ़रमाते हैं कि कोई मुसलमान ऐसे होंगे जिनको मदीना शहर जितना नूर मिलेगा कोई मुसलमान ऐसे होगा कि उनको इतनी रोशनी मिलेगी कि सिर्फ़ पाहूँ रखने की जगह रोशन होगी सिर्फ़ पाहूँ रखने की जगह रोशन होगी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तआला तु फरमाते हैं कि ईमान वालों को आमाल के मुताबिक नूर मिलेगा जितने किसी के आमाल अच्छे हो किसी का आमाल दुनिया में उसने किए हो तोहीद को माना हो रसालत को माना हो उसके मुताबिक उसको नूर मिलेगा नब्दुल्ला बिन मसूद रजील्ल तौन प्रमाते हैं किसी इंसान को खजूर की दरख जितना नूर मिलेगा किसी को कद आदम जितना नूर मिलेगा और कोई इंसान ऐसा भी होगा कि उसका सिर्फ़ अंगूठा ही रोशन होगा अंगूठा अंगूठे पर रोशनी जल रही होगी कभी वो बुझ जाता होगा कभी रोशन होता होगा और यही जो नूर होगा और कोई मुसलमान ऐसा भी होगा जिसको पहाड़ जितना नूर मिलेगा याद रखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों मेरे दोस्तों के क़यामत वाले दिन जो नूर इंसान को मिलेगा उसी नूर उसी रोशनी के बदौलत इंसान पुल से रात को क्रॉस करेगा रात को पार करना अंधेरे में महाल होगा उसके लिए रोशनी की ज़रूरत होगी जितना किसी के पास रोशनी होगी नूर होगा उतना ही उसके लिए रात पार करना आसान होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ईमान वाला नूर नसीब फरमाए है तो आज की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नूर का जिक्र फरमा रहे हैं कि या तो दुनिया में मुनाफिक जब उसके ऊपर इस्लाम ज़ायर हो जाए इस्लाम को कोरूज मिल जाए तो वो मुसलमान हो जाता है और अगर इस्लाम को थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो वो गैर मुस्लिम हो जाता है गैर मुस्लिम का साथ देता है मुफसरीन लिखते हैं कि इसी तरह क़यामत वाले दिन मुनाफिक नूर के लिए चीखेगा भागेगा लेकिन उसको नूर नहीं मिलेगा जिस तरह मुनाफिक दुनिया में अकसाम थे इंसानों के दुनिया में अकसाम थे इसी तरह क्यामत में भी आखिरत में भी इंसानों के अकसाम होंगे अल्लाह रब्बुल रबुल्जत ने फिचली आयत में मुनाफिकीन का बयान फरमाया और उनकी मिसाल बयान फरमाही लोगों को तकसीम कर दिया पहले मुत्तकीन का बयान हुआ फिर काफिरों का बयान हुआ फिर मुनाफिक का बयान हुआ दिल जो होते हैं दिल या इंसान जो होते हैं ये चार किस्म के होते हैं ये बात याद रखना चार किस्म के दिल होते हैं नंबर एक बिल्कुल साफ़ सुथरा दिल होता है जो चराग की तरह चमक रहा हो और वो मोमिन का दिल होता है जो पूरी तरह नूरानी हो व इन आयातों से मुफसरी ने ये बयान फरमाया नंबर दो गिलाफ आलूद दिल होता है हमने पहले पढ़ा था फ़ीकलूब मरातन इनकी दिलों में बीमारी है नफ़ाक है दूसरा दिल है गलाफ आलूद, यानी उस से काफ़ काफिर का दिल है जिस पर पर्दे पड़े हुए हो तीसरा दिल वो है जो उल्टे हो यानि ख़ास खालस मुनाफिक जो जानता है कि इस्लाम हक है नबी सलासम हक है और फिर भी इनकार करता है तो उनका दिल उल्टे हो जाते हैं चौथा दिल वो होता है जो मखलूत होता है गड़मड़ होता है कभी अच्छा होता है कभी सच्चा होता है कभी झूठ होता है इससे मुराद उस मुनाफिक का दिल है जिसमें ईमान और मुनाफिकत दोनों जमा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब नूर अमूर नूरी ईमान अता फ़रमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत वाले दूर दिन ईमानी नूर से मुनव्वर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए मोहतरम नाज़रीन व वसाम जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों से अपने फैमिली से सब्सक्राइब कराइए मैं इस अपने चैनल में फ़कत क़र्नी आयात कुरान का तर्जुमा और उसकी तशरी कुरानदीस की रोशनी में करने का कोशिश करता हूँ। हूँमल की तोहफी अता फ़रमाएँ वमा आलिन